नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 19 अप्रैल 2023 को बुधवार है। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, आपका मन आनंदित रहेगा। इन राशि के जो लोग कपड़े का बिजनेस करते हैं, आपको उम्मीद से ज्यादा लाभ मिल सकता है। लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी अंत होगा। इंजीनियरिंग कर रहे छात्रों को किसी अच्छी कंपनी से जॉब के लिए कॉल आ सकता है। आपको कुछ धार्मिक कार्य करने का मौका मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वृषभ राशि, आप चिंता मुक्त रहेंगे। इस राशि के जो लोग जूतों का बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस का विस्तार हो सकता है। जो छात्र कॉमर्स फील्ड से हैं, उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपके शिक्षक भी आपसे खुश रहेंगे। इस राशि के जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आर्थिक लाभ होने की ज्यादा संभावना है। सारी परेशानियां दूर होंगी। परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। मिथुन राशि, आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग के लोगों को आर्थिक लाभ होने के योग बनते दिख रहे हैं। किसी नई डील में पैसा लगाने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं। घर के कार्यों में बड़े भाई का सहयोग प्राप्त होगा। इस राशि के शिक्षकों को पदोन्नति भी मिल सकती है। जीवन साथी से रिश्ता मजबूत होगा। इस राशि के जो लोग वाहन खरीदना चाहते हैं, उनके लिए दिन उत्तम है। कर्क राशि, दिन मिला जुला रहेगा। बड़ों की सलाह लेने से बिगड़ा हुआ काम भी बन सकता है। विवाहित लोगों को दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होगा। युवाओं के लिए सफलता के नए दरवाजे खुलेंगे। बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा। जो लोग लोहे का बिजनेस करते हैं, उनके व्यापार का विस्तार होगा। आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। सिंह राशि, दिन बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने सोचे हुए कार्यों को जल्दी पूरा कर लेंगे। जो लोग वकालत कर रहे हैं, उनको कोई बड़ा केस मिल सकता है। आपको बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। महिलाओं के घर के काम समय से पूरे हो जाएंगे, जिससे उन्हें राहत मिलेगी। माता पिता के आशीर्वाद से किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी के बीच में बोलने से बचना होगा। कन्या राशि, आपका दिन खुशियों से भरा होगा। जो लोग राजनीति में हैं, उन्हें कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। छोटे स्तर पर व्यापार करने वालों को उम्मीद से अधिक धन लाभ होगा। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, किसी अच्छी जमीन में पैसा लगा सकते हैं, जिससे उन्हें लाभ होगा। तुला राशि, दिन सामान्य रहने वाला है। जो लोग बिजनेसमैन हैं, उन्हें आर्थिक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अगर लंबे समय से किसी बात को लेकर परेशान है, तो उसे पार्टनर के साथ शेयर किया जा सकता है। मन को शांति मिलेगी। पैसों से जुड़े लेन देन करने से बचना होगा। किसी को बिना सोचे समझे पैसा उधार देने से बचें। छात्रों को शिक्षकों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे पढ़ाई में मन लगेगा। वृश्चिक राशि, आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। जो लोग थिएटर और फिल्म लाइन में काम करते हैं, आज उन्हें नई उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। विवाह योग्य पुरुषों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। आपको कोई प्रेम प्रस्ताव भी मिल सकता है। धनुराशि, आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। हर किसी को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। जो लोग वकील हैं, आपको किसी पुराने केस में सफलता प्राप्त हो सकती है। कार्य क्षेत्र में जूनियर्स का सहयोग मिलेगा। जो लोग जमीन खरीदना चाहते हैं, उन्हें आज फायदे का सौदा मिल सकता है। घर पर कोई धार्मिक आयोजन करवा सकते हैं और आपको कोई सामाजिक कार्य करने का मौका भी मिलेगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। मकर राशि, दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन में आपको नया मुकाम प्राप्त होगा। जो लोग फैशन डिजाइनर हैं, उन्हें अच्छे काम के लिए सम्मानित किया जा सकता है। साथ ही जो लोग संगीत और गायन के क्षेत्र से जुड़े हैं, समाज में उन्हें प्रसिद्धि मिलेगी। आपको किसी बड़ी म्यूजिक कंपनी से ऑफर भी मिल सकता है। आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो दिन बहुत बढ़िया है। सफलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि, दिन सुनहरा रहने वाला है। पूरे दिन प्रसन्नता बनी रहेगी। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ऑफिस में उन्हें सहयोगों की मदद मिलेगी। प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े लोगों को उम्मीद से अधिक धन लाभ होने के आसार बन रहे हैं। जो युवक नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें अच्छी नौकरी भी मिलने की उम्मीद है। आपको किसी से उपहार मिलेगा। जरूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे। मीन राशि, आज आपका दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो लोग लेखक हैं, आपके विचारों का सम्मान होगा।
आपकी लेखनी की तारीफ हर जगह होगी। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों को समाज में उनका पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। हर काम में आपको पत्नी का सहयोग प्राप्त होगा। रोजगार की प्राप्ति होगी। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 19 अप्रैल को मिलेगा शुभ समाचार। धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्य अंक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1। अभी आप लोगों के आसपास रहने और लोग आपके आसपास रहने के लिए बेहद उत्सुक हैं। आपका आकर्षण अब शीर्ष पर है और इससे कुछ रोचक कनेक्शन बनेंगे। शुभ अंक 52, शुभ रंग सिल्वर। अंक 2 के जातक, दोस्तों और भाई बहनों के साथ समय का आनंद लें। सफलता क्षितिज पर है। आपको नई आय या अप्रत्याशित लाभ भी मिलने वाला है। शुभ अंक 22, शुभ रंग ग्रे। अंक 3। आज भौतिक सुख आपको लुभाएंगे। आपके भीतर आमदनी से अधिक खर्चा करने की प्रवृत्ति विकसित हो सकती है। आपके द्वारा लिए गए विचारशील निर्णय पूरे महीने मददगार रहेंगे। शुभ अंक होगा 12, शुभ रंग हरा। अंक 4 के जातक, घर में आपका जीवन अभी चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण हो सकता है। अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नजरअंदाज न करें। जरूरत पड़े तो डॉक्टर से मिले। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। अंक 5। कार्य में आपको जो पहचान मिल रही है उसका मजा लें। आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। इस पल की प्रतिष्ठा का लेना ना भूलें। शुभ अंक होगा 15, शुभ रंग पीला। अंक 6। आपके लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से संतोषजनक होगा। मनोदशा के बदलते रहने की वजह से कोई भी गंभीर फैसला लेने से बचें। शुभ अंक होगा 3, शुभ रंग गोल्डन। अंक 7। यह उच्च शिक्षा में नामांकन या कुछ नया सीखने के लिए उचित समय है। आज आपकी भावनाएं बेहद प्रभावी रहेंगी। उत्साह और अवसाद को मन में न आने दें। शुभ अंक 27, शुभ रंग वॉयलेट। अंक 8। अपने रोजाना कामों से ऊब सकते हैं, इसलिए विश्राम के लिए आज का दिन उपयुक्त है। अपना व अपने प्रियजनों का ध्यान रखें और गाड़ी चलाते हुए सावधान रहें। शुभ अंक होगा 14, शुभ रंग लाल। अंक 9। आपके माता पिता या सलाहकार को अभी किसी हानि का सामना करना पड़ सकता है। इस समय संबंध जटिल हो सकते हैं, जिससे आप खुद को नजरअंदाज महसूस करेंगे। काम में आपकी प्रतिभा को नोटिस किया जाएगा। शुभ अंक 12, शुभ रंग लेमन। आइए जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अप्रैल 19, 2023 बुधवार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:07 पर, सूर्यास्त शाम 6:45 पर, चंद्रोदय 19 अप्रैल सुबह 10:13 पर, चंद्रास्त 19 अप्रैल रात 12:21 पर। तिथि शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 18 अप्रैल शाम 4:33 से 19 अप्रैल शाम 5:28 तक। शुक्ल पक्ष अमावस्या 19 अप्रैल शाम 5:28 से 20 अप्रैल शाम 7:02 तक। नक्षत्र रेवती 19 अप्रैल दोपहर 2:01 से 19 अप्रैल दोपहर 3:27 तक। अश्विनी 19 अप्रैल दोपहर 3:27 से 20 अप्रैल शाम 5:32 तक। करण शकुनी 19 अप्रैल सुबह 4:55 से 19 अप्रैल शाम 5:28 तक। चतुष्पद 19 अप्रैल शाम 5:28 से 20 अप्रैल सुबह 6:11 तक। नाग 20 अप्रैल सुबह 6:11 से 20 अप्रैल शाम 7:02 तक। योग वैधृति 18 अप्रैल रात 11:32 से 19 अप्रैल रात 11:19 तक। विषकुंभ 19 अप्रैल रात 11:19 से 20 अप्रैल रात 11:35 तक। अशुभकाल राहु दोपहर 12:26 से दोपहर 2:01 तक। यमगण सुबह 7:41 से सुबह 9:16 तक। कुलिक सुबह 10:51 से दोपहर 12:26 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:02 से दोपहर 12:51 तक। वर्ज्यम शाम 7:17 से रात 8:51 तक। शुभ काल अमृत काल रात 9:36 से रात 11:07 तक।
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से सुबह 5:18 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। बुधवार का दिन बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की उपासना का दिन है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी को पूजा जाता है। लंबोदर महाराज का प्रिय वाहन मूषक राज है। गजानन महाराज को 108 नामों को गणेश नामावली कहते हैं। इस नामावली का जाप करने से मंगल मूर्ति समस्त कष्टों को दूर करते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश के बीज मंत्र ओम गं गणपतये नमः का जाप करने से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है और शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है। गणपति महाराज के 108 नामों के साथ ही उनके 108 स्वरूप भी हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ प्रमुख नामों को। भालचंद्र, जिनके मस्तक पर चंद्रमा हो। बुद्धिनाथ, बुद्धि के भगवान। एकदंत, एक दांत वाले। गजकर्ण, हाथी की तरह आंखों वाले। गणपति, सभी गणों के मालिक। मंगल मूर्ति, सभी शुभ कार्यों के देव। निधिश्वरम, धन और निधि के दाता। ईशान पुत्र, भगवान शिव के बेटे। गदाधर, जिनका हथियार गदा है। गजवक्र, हाथी के सूंड वाले। गणाध्यक्षिणी, सभी पिंडों के स्वामी। यशस्कर, प्रसिद्धि और भाग्य के स्वामी। यशस्विन, सबसे प्यारे और लोकप्रिय देव। युगाधिप, ध्यान के प्रभु। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं द्वारा बुधवार का व्रत रखा जाता है। बुध ग्रह का रंग हरा होता है, इसलिए इस दिन हरे रंग की वस्तु दान करना और हरे वस्त्र धारण करना शुभ होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से पहले बुधवार के से करें। लगातार 21 बुधवार तक व्रत करना शुभ होता है। आइए जानते हैं बुधवार को व्रत करने की पूजा विधि। बुधवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। उसके पश्चात पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव ना हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें रोली, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, दूब आदि अर्पित करें। उन्हें लड्डू या मूंग की दाल का बना हलवा प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। बुध देव को याद करके बुध मंत्र का पूजन करें। बुध यंत्र पर जल और हरी इलायची, रोली, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करें। इसके बाद बुधवार के व्रत की कथा पढ़ें और आरती करें। पूजा सामग्री में दूबी अर्पित करना शुभ होता है। इसके बाद गणेश जी को मोदक अर्पित करें और मन ही मन भगवान का ध्यान करते हुए 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम गण गणपतये नमः। बुधवार को व्रत करने वालों के जीवन में सुख, शांति और यश बना रहता है। इसके साथ ही उन्हें कभी पैसों की तंगी नहीं होती। इस व्रत को करने से आपके जीवन में कभी अन्न के भंडार की कमी नहीं होगी। बुधवार को गणेश भगवान की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए अब हम जानते हैं बुधवार के व्रत का नियम। बुधवार के व्रत में नमक खाने से परहेज करना चाहिए, यानी आपको रात्रि के वक्त व्रत खोलते समय मीठे भोजन का सेवन करना चाहिए। आपको बता दें, शाम को प्रसाद खाकर ही व्रत खोलें। इसके साथ ही बुधवार के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाएं और इस भोग को गाय को खिलाएं। हिंदू धर्म में गाय को पूजने और मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कामधेनु गाय को सभी गायों की माता का दर्जा प्राप्त है। कामधेनु गाय दैविक और चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण बताई जाती है।
पूजा के वक्त बुधवार व्रत की कथा जरूर पढ़ें और आरती भी करें। व्रत वाले दिन किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल, हरी सब्जी, हरे वस्त्र या कुछ हरे रंग का अपने सामर्थ्य के अनुसार बुधवार के दिन बुध ग्रह की पूजा करने से कुंडली में बुध ग्रह की उपस्थिति शुभ जगह पर होती है। यदि आपका कमाया हुआ धन व्यर्थ जा रहा हो तो बुधवार का व्रत करें। बुधवार के दिन भगवान गणेश को शमी के पत्ते अर्पित करना काफी शुभ माना जाता है। जीवन में सुख शांति और यश बरकरार रहता है, साथ ही उसके अन्न और धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। उनकी शारीरिक संरचना में भी विशिष्ट व गहरा अर्थ निहित है। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव कहा गया है। चारों दिशाओं में सर्व व्यापकता के प्रतीक उनकी चार भुजाएं हैं। वे लंबोदर हैं क्योंकि समस्त चराचर सृष्टि उनके उदर में विचरित है। उनके कान अधिक ग्राह्य शक्ति व छोटी पैनी आंखें सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि की सूचक हैं। उनकी लंबी नाक महाबुद्धित्व का प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में जाना जाता है। केतु एक छाया ग्रह है जो राहु नामक छाया ग्रह से हमेशा विरोध में रहता है। बिना विरोध के ज्ञान नहीं आता है और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। गणेश जी के अनेक नाम हैं, लेकिन ये 12 नाम प्रमुख हैं। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यज, भालचंद्र, गजानन, विद्यारंभ तथा विवाह के पूजन में प्रथम में इन नामों से गणपति की आराधना का विधान है। मृदुल और गणेश पुराण में विघ्नहर्ता गणेश जी के 32 मंगलकारी रूप बताए गए हैं। इनमें वे बाल रूप में हैं तो किशोरों वाली ऊर्जा भी उनमें मौजूद है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्ति उनमें समाहित है तो वे सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का रूप भी हैं। वे पेड़, पौधे, फल, पुष्प के रूप में सारी प्रकृति खुद में समेटे हुए हैं। वे योगी भी हैं और नर्तक भी। कर्नाटक के नंजनगूढ़ शिव मंदिर में भगवान गणेश के सभी 32 रूप मौजूद है। इस मंदिर में देवी देवताओं की 100 से अधिक प्रतिमाएं विभिन्न रूपों में हैं। इस मंदिर की गिनती कर्नाटक की सबसे बड़े मंदिरों में होती है। यहाँ उन्हें कदरीमुख गणपति कहा जाता है। आइए जानते हैं गणपति के 32 रूप। पहला, बाल गणपति। ये भगवान गणेश का बाल रूप है। ये धरती पर बड़ी मात्रा में उपलब्ध संसाधनों का और भूमि की उर्वरकता का प्रतीक है। उसके चारों हाथों में एक एक फल है, आम, केला, गन्ना और कटहल। यह रूप संकट में भी बाल सुलभ सहजता की प्रेरणा देता है, इंसान को आगे बढ़ने की क्षमता दर्शाता है। दूसरा, तरुण गणपति। यह उनका किशोर रूप है जिसमें उनका शरीर लाल रंग से चमकता है। इस रूप में उनकी 8 भुजाएं हैं। उनके हाथों में फल के साथ साथ मोदक और अस्त्र शस्त्र भी हैं। इस रूप में गणपति अपनी पूरी क्षमता से काम करने और उपलब्धियों के लिए संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। तीसरा, भक्त गणपति। इस रूप में वे श्वेत वर्ण धारण किए हुए हैं। उनका रंग पूर्णिमा के चांद की तरह चमकीला है। इस रूप में गणपति इंसान के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा, वीर गणपति। यह गणेश जी का योद्धा रूप है। इस रूप में उनके 16 हाथ हैं। उनके हाथों में गदा, चक्र, तलवार, अंकुश सहित कई अस्त्र हैं। इस रूप की उनकी पूजा साहस पैदा करती है, हार ना मानने के लिए प्रेरित करती है। इस रूप में गजानन बुराई और अज्ञानता पर विजय पाने के लिए पूरी क्षमता से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। पांचवा, शक्ति गणपति। इस रूप में गणपति अभय मुद्रा में है और भक्तों को शक्तिशाली बनाने का आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। गणेश जी का यह रूप इस बात का प्रतीक है कि इंसान के भीतर शक्ति पुंज है जिसका उसे इस्तेमाल करना है। छठवा, द्विज गणपति। इस रूप में उनके 2 गुण अहम हैं, ज्ञान और संपत्ति। इन 2 को पाने के लिए गणपति के इस रूप को पूजा जाता है। इस रूप में उनके 4 मुख और 4 हाथ हैं जिसमें कमंडल, रुद्राक्ष, छड़ी और ताड़ पत्र में शस्त्र लिए हुए हैं। सातवा, सिद्धि गणपति।
इस रूप में गणेश जी पीत वर्ण में हैं। इस रूप में वे अपनी सूंड में मोदक लिए आराम की मुद्रा में बैठे हुए हैं। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश जी का यही स्वरूप विराजित है। भगवान गणेश का यह रूप किसी भी काम को दक्षता से करने की प्रेरणा देता है। यह सिद्धि पाने का प्रतीक है। आठवां, उच्छिष्ट गणपति। इस रूप में गौरी पुत्र नीलवर्ण में है। उनका यह रूप मोक्ष और ऐश्वर्य देता है। उनकी शक्ति साथ में पैरों पर विराजित है। गणेश जी के इस रूप का एक मंदिर तमिलनाडु में है। यह रूप ऐश्वर्य और मोक्ष में संतुलन का प्रतीक है। वे कामना और धर्म में संतुलन के लिए प्रेरित करते हैं। नौवां, विघ्न गणपति। इस रूप में गणेश जी का रंग स्वर्ण के समान है। उनके आठ हाथ हैं। इस रूप में वे भगवान विष्णु के समान दिखाई देते हैं। उनके हाथों में शक्र चक्र हैं। यह रूप सकारात्मक पक्ष देखने की प्रेरणा देता है। यह नकारात्मक प्रभाव और विचारों को भी दूर करता है। दसवां, शिप्र गणपति। इस रूप में गणपति महाराज रक्त वर्ण में हैं। उनके चार हाथों में से एक में कल्प वृक्ष की शाखा है। उनके सूंड में वे कलश लिए हैं जिसमें रत्न है। यह रूप कामनाओं की पूर्ति का प्रतीक है। कल्प वृक्ष इच्छाएं पूरी करता है और कलश समृद्धि देता है। ग्यारहवां, हेरंब गणपति। पांच सिरों वाले हेरंब गणेश दुर्बलों के रक्षक हैं। यह उनका विलक्षण रूप है। इस रूप में वे शेर पर सवार हैं। उनके 10 हाथ हैं जिनमें फरसा, फंदा, मनका, माला, फल, छड़ी और मोदक लिए हुए हैं। उनके सिर पर मुकुट है। इस रूप में गणेश कमजोर को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देते हैं। बारवा, लक्ष्मी गणपति। इस रूप में गणेश जी बुद्धि और सिद्धि के साथ हैं जिसमें उनके 8 हाथ हैं। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है जो सभी को सिद्धि और बुद्धि दे रहे हैं और दूसरा हाथ में तोता बैठा हुआ है। तमिलनाडु के पलानी में गणेश जी के इस रूप का मंदिर है। 13, महागणपति। इस रूप में गणेश जी के रक्त वर्ण हैं और भगवान शिव की तरह उनके 3 नेत्र हैं। उनके 10 हाथ हैं और उनकी शक्ति उनके साथ विराजित है। भगवान गणेश के इस रूप का एक मंदिर द्वारका में है। भगवान कृष्ण ने यहाँ गणेश की आराधना की थी। 14, विजय गणपति। इस रूप में वे अपने मूषक पर सवार हैं जिसका आकार सामान्य से बड़ा दिखाया गया है। महाराष्ट्र में पुणे के अष्ट विनायक मंदिर में भगवान का यह रूप मौजूद है। 15, नृत्य गणपति। इस रूप में गणेश जी कल्प वृक्ष के नीचे नृत्य करते दिखाए गए हैं। वे प्रसन्न मुद्रा में हैं। उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में युद्ध का अस्त्र परशु है। उनके इस रूप का तमिलनाडु के कुडुमुदी में अरुणमुगी मगुदेश्वर मंदिर है। 16, ऊर्ध्व गणपति। इस रूप में उनके 8 हाथ हैं। उनकी शक्ति साथ में विराजित है जिन्हें उन्होंने एक हाथ में थाम रखा है। एक हाथ में टूटा हुआ दांत है। बाकी हाथों में कमल पुष्प सहित प्राकृतिक संपदाएं हैं। वे तांत्रिक मुद्रा में विराजित हैं। 17, एकाक्षर गणपति। इस रूप में गणपति जी के 3 नेत्र हैं और मस्तक पर भगवान शिव के समान चंद्रमा विराजित हैं। इस रूप में पूजा से मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण में मदद मिलती है। गणपति के इस रूप का मंदिर कर्नाटक के हम्पी में है। 18, वर गणपति। गणपति का यह रूप वरदान देने के लिए जाना जाता है। अपनी सूंड में वे रत्न कुंभ थामे हुए हैं। इस रूप में वह सफलता और समृद्धि का वरदान दे रहे हैं। कर्नाटका के बेलगाम में रेणुका येलम्मा मंदिर में भगवान का यह रूप विराजित है। इस रूप में उनके साथ विराजित देवी हाथों में विजय ध्वज है जो श्रद्धालुओं को विजयी होने का वरदान का प्रतीक है। 19, त्र्यक्षर गणपति। यह भगवान गणेश का ओम रूप है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश समाहित हैं, यानी वे सृष्टि के निर्माता, पालनहार और संहारक भी हैं। कर्नाटक के नारसीपुरा में गणेश जी के इस मंदिर का स्वरूप है जिसे तिरुमा कुदालु मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में उनकी आराधना आध्यात्मिक ज्ञान देती है। यह रूप स्वयं को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। 20, शिप्र प्रसाद गणपति।
इस रूप में गणेश जी इच्छाओं को शीघ्रता से पूर्ण करते हैं और उतनी ही तेजी से गलतियों की सजा भी देते हैं। वे पवित्र घास से बने सिंहासन पर विराजमान हैं। तमिलनाडु के कराईकुड़ी और मैसूर में भगवान के इस रूप का मंदिर है। 21वां हरिद्रा गणपति, इस रूप में गौरी पुत्र हल्दी से बने हैं और राज सिंहासन पर बैठे हैं। इस रूप में पूजन से इच्छाएं पूरी होती हैं। कर्नाटका में श्रृंगेरी में श्रृंगे रंग श्रृंगे मंदिर में गणेश जी का यह रूप विराजित है। हल्दी से बने गणेश रखने से व्यापार में लाभ होता है। 22वां एक दंत गणपति, इस रूप में गणेश जी का पेट अन्य रूपों के मुकाबले बड़ा है। वे अपने भीतर ब्रह्मांड समाये हुए हैं। वे रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर हटाते हैं और जड़ता से खत्म करते हैं। इस रूप का पूजन पूरे देश में व्यापक रूप में होता है। 23वां सृष्टि गणपति, गणेश जी का यह रूप प्रकृति की तमाम शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। उनका यह रूप ब्रह्मा के समान ही है। यहाँ वे एक बड़े मूषक पर सवार दिखाई देते हैं। तमिलनाडु के कुंभकोणम में अरुविलम स्वामीनाथन मंदिर में उनका यह रूप विराजित है। यह रूप सही गलत और अच्छे बुरे फर्क करने की प्रेरणा मिलती है। 24वां उद्दंड गणपति, इस रूप में गणेश न्याय की स्थापना करते हैं। यह उनका उग्र रूप है जिसके 12 हाथ हैं। चमा राजनगर और नंजगुड़ में गणपति के 32 रूपों की प्रतिमा मौजूद है। 25वां ऋणमोचन गणपति, यह रूप अपराध बोध और कर्ज से मुक्ति देता है। इनमें से एक हाथ में मीठा चावल है। इस रूप का मंदिर तिरुवंतपुरम में है। 26वां ढूंढे गणपति, रक्तवर्ण गणेश जी के इस रूप से उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला है। रुद्राक्ष उनके पिता शिव का प्रतीक माना जाता है, यानी इस रूप में वे पिता के संस्कारों के लिए विराजित हैं। 27वां द्विमुख गणपति, इस स्वरूप में उनके दो मुख हैं जो सभी दिशाओं में देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस रूप में उनके शरीर के रंग में नीले और हरे का मिश्रण है। 28वां त्रिमुख गणपति, इस रूप में गणेश जी के 3 मुख और 6 हाथ हैं। दाएं हाथ और बाएं की तरफ मुख की सूंड ऊपर उठी हुई है। वे स्वर्ण कमल पर विराजित हैं। उनका एक हाथ रक्षा की मुद्रा और दूसरा वरदान की मुद्रा में है। इस रूप में उनके एक हाथ में अमृत कुंभ है। गणेश जी का यह रूप भूत वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। 29वां सिंह गणपति, इस रूप में गणेश जी शेर के रूप में विराजमान है। उनका मुख भी शेरों के समान है, साथ ही उनकी सूंड भी है। उनमें 8 हाथ हैं। इनमें से एक हाथ वरद मुद्रा में है तो दूसरा अभय मुद्रा में है। 30वां योग गणपति, इस रूप में भगवान गणेश एक योगी की तरह दिखाई देते हैं। वे मंत्र जाप कर रहे हैं। उनके पैर योगिक मुद्रा में हैं। इस रूप की पूजा अच्छा स्वास्थ्य देती है। उनके इस रूप का रंग सुबह के सूर्य के समान होता है। 31वां दुर्गा गणपति, भगवान गणेश का यह रूप अजय है। ये शक्तिशाली है और हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करते हैं। यहाँ वे अदृश्य देवी दुर्गा के रूप में हैं। इस रूप में वे लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं। यह रंग ऊर्जा का प्रतीक है और उनके हाथ में धनुष है। 32वां संकट हरण गणपति, इस रूप में गणेश भय व दुख को दूर करते हैं। उनकी आराधना संकट के समय बल देती है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के सातों दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।